इंटू साइन क्या आएगा, सी ये होगा सी माइनस बी बाई टू और डिवाइडेड बाई क्या है एच। नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। लिमिट क्या लिमिट लिखना है, एच टेंड्स टू जीरो। क्या आंसर लिखेंगे, माइनस बाई टू माइनस टू साइन एक्स प्लस एच स्क्वायर टू प्लस एच जीरो डालना है यहाँ पर साइन एक्स, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस साइन। इसका डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, अब लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू, ये बताओ एफ एक्स प्लस एच क्या हो गया साइन एक्स प्लस एच और अपॉन में एच क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर दो, पहले ये हो गया थ्री एक्स प्लस थ्री एच प्लस टू, तो इस पार्ट को हटा कर क्या लिखेंगे आप, थ्री एक्स प्लस थ्री एच प्लस टू। अब कौन सा फॉर्म लगना चाहिए, क्या लिखेंगे पहले साइन सी माइनस साइन डी होता है थ्री एक्स प्लस थ्री एच प्लस टू, ये सी है प्लस c प्लस d बाय 2 इनटू साइन क्या आएगा c माइनस 3x प्लस 3h प्लस 2 ये होगा c माइनस माइनस करें b को माइनस 3x माइनस 2 अपॉन और डिवाइडेड बाय h। क्या किया यहाँ पर हमने, कुछ नहीं किया, फॉर्म लगाया साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला जो भी है वो लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले लिखेंगे 2 cos फिर cos 6x ये होगा 6x उसके नीचे 2 है तो होगा 3x प्लस 2 ये 2 प्लस 2 क्या हो गया 4 उसके नीचे 2 है तो 2 प्लस 3h अकेला by 2 तो 3h by 2 ये तो यहाँ पर बचा into में sin क्या बचा 3x 2 से 2 क्या बचा 3h by 2 और डिवाइडेड में h क्या ये वन हुआ था ये h से मल्टीप्लाई से 3 से से नीचे करा है इसके ऊपर लिख दो इसके ऊपर 3 बाय 2 ना 3 बाय 2 से ऊपर 3 बाय 2 से नीचे अब ये वाला पार्ट क्या हो गया 1 sin 3h बाय 2 नीचे भी 3h बाय 2 h टेंड्स टू 0 2 से 2 कट जाएगा ये जो 2 है इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा क्या बचा आंसर में cos 3x प्लस 2 क्योंकि h की जगह तो 0 डाल देंगे और मल्टीप्लाई में ये 3 भी है मल्टीप्लाई में 3 तो इसका डेरिवेटिव आ गया 3 इनटू cos 3x प्लस 2 और कैसे करें इसका डेरिवेटिव सो ये f(x) इक्वल टू sin पहले क्या लिखेंगे मान लो ये f(x) है इसके डेरिवेटिव को क्या कहेंगे f डैश वो क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच अब लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो व्हाट इज एफ एक्स प्लस एच क्या होगा साइन साइन थ्री एक्स प्लस एच थ्री एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच तो प्लस टू ये एफ एक्स प्लस एच हो गया माइनस एफ एक्स का मतलब है साइन थ्री एक्स प्लस टू और डिवाइडेड बाय एच क्या किया हमने नेक्स्ट स्टेप में मैंने 3 को मल्टीप्लाई करा उससे उसके बाद आइडेंटिटी यहां पर क्या होगा मल्टीप्लाई करा तो 3x 3h प्लस 2 अब लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 कौन सा फार्मूला sin c माइनस sin c ऋषभ आप तो बैच में पढ़ने लायक नहीं है ऐसे तो काम नहीं चलेगा तुम सर ऐसे देखने बाद भी मेरे को पता चल जाता है sin c माइनस sin c
साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला क्या होगा टू कॉस सी प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एच प्लस टू ये तो सी है प्लस डी थ्री एक्स प्लस टू और बाई ये होगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू सी ये वाला पार्ट है थ्री एक्स प्लस थ्री एच प्लस टू माइनस ये वाला पार्ट तो माइनस थ्री एक्स माइनस टू अपॉन टू और डिवाइडेड बाय अब क्या लिखेंगे h टेंस टू जीरो यहाँ पर आएगा टू कॉस क्या है थ्री एक्स बाय टू तो क्या थ्री एक्स प्लस ये हो गया फोर बाय टू तो प्लस थ्री एच बाय टू ये तो यहाँ पर बचा ये वाला पार्ट क्या हो गया इस टू से ये टू कट जाएगा अब एच की जगह जीरो डाल दो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा तो क्या बचा cos 3x + 2 एक और चीज बची मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3 मल्टीप्लाई बाय इसके साथ चाहिए यहां लिख दो मल्टीप्लाई बाय इसका डेरिवेटिव होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से अब बताओ क्या लिखा पहले ये अगर fx है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा fx का फार्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x + h माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच अब देखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो व्हाट इज एफ एक्स प्लस एच का क्या होगा वैल्यू साइन साइन थ्री एक्स प्लस एच टू साइन तो साइन थ्री एक्स की जगह एक्स प्लस एच प्लस टू ये एंगल है साइन का ये वाला ऐसे फिर माइनस एफ एक्स का मतलब साइन ऑफ थ्री एक्स प्लस टू और डिवाइडेड बाई एच नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है सब पहले मल्टीप्लाई करके फिर फार्मूला लगाएं इसको मल्टीप्लाई करा ये हो गया यहां पर 3x + 3h + 2 अब लिमिट h टेंड्स टू 0 sin c - sin d क्या हो जाएगा sin c - sin d 2 cos c + ये वाला पार्ट हो गया c + d / 2 इनटू में sin क्या आएगा c - d ये होगा c माइनस का d और बाय 2 डिवाइडेड बाय h क्या बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एक तो बचा 2 और cos क्या लिखेंगे यहां पर 3x ये होगा 6x बाय 2 करें तो 3x प्लस ये हो गया 4 2 बाय 2 तो 2 प्लस एक तो बचा 3h बाय 2 बाय 2 इनटू sin 3h बाय 2 यहां पर क्या बचा 3x से 3x 2 से 2 क्या बचा 3h बाय 2 डिवाइडेड बाय h क्या करें इसको तो 3 बाय 2 से यहां से 3 बाय 2 से ये वाला पार्ट क्या हो गया 1 और 2 से 2 से 2 कट गया ये 2 कट जाएगा h की जगह 0 डाल दो यहां पर cos 3 cos 3 3x + 2 हो जाए यहां पर 2 में ये वाला 3 मल्टीप्लाई में ये इसका डेरिवेटिव ये आंसर आ गया सिंपल सा क्वेश्चन है वो तो आराम से हो जाएगा बताओ क्या करना है पहले इसका डेरिवेटिव जो भी होगा उसे कहेंगे f खुद आ रहा है क्या होगा उसका आंसर लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या लिखेंगे f x plus h minus of x upon h नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 पहले बताओ एफ एक्स प्लस एच क्या होगा इस साइन थ्री इनटू एक्स प्लस एच इनटू एक्स प्लस एच ये एफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स का मतलब साइन थ्री एक्स अपॉन एच इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स प्लस थ्री एच मल्टीप्लाई करें तो थ्री एक्स प्लस थ्री एच अब फॉर्मूला लग जाएगा साइन सी माइनस साइन डी ये सी है ये डी है क्या लिखेंगे पहले टू कॉस sin c minus sin ये होता है 2 cos c plus c by 2 c 3x plus 3x ये तो c हो गया plus 3x by 2 c plus d by 2 into sin c minus d by 2 c
ax plus 3h upon minus h upon, ये तो ऊपर फॉर्मूला क्या नीचे h है, इसे नेक्स्ट स्टेप में बताओ क्या लिखेंगे, लिमिट h plus 0 क्या लिखेंगे, लिमिट h to 0 लिमिट h tends to 0 पहले लिखेंगे 2 cos 3x upon 2 करें तो 3x 3x plus 3h by 2 3h by 2 into sin 3h by 2 क्योंकि 3x से 3x कटा 3h by 2 divided by h है पता ना 3 by 2 से यहाँ ऊपर भी 2 by 2 ये वाला पार्ट क्या हो गया 1 इस 2 से 2 पर 2 बच जाएगा h की जगह 0 डाल दिया cos 3x तो ये बचा मल्टीप्लाइड में ये वाला 3 और बचा इसका आंसर क्या आएगा 3 cos 3x तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से f(x) इज इक्वल टू दिस इसका डेरिवेटिव f(x) क्या आंसर आएगा h टेंड्स टू 0 पहले लिखेंगे f(x) h माइनस f(x) अपॉन h अब लिमिट h h टेंड्स टू 0 तो क्या लिखेंगे f(x) h क्या होगा cos a into x cos h a into x plus h करा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस ए एच प्लस अब फॉर्मूला लगना चाहिए कौन सा फॉर्मूला है cos 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 क्या हो जाएगा cos c cos minus 2 sin c minus 2 sin c अब बताओ cos c minus cos d minus 2 sin ये c है ये d है cos c minus cos d होता है minus 2 sin c plus d c का मतलब ax plus ah plus b यहाँ तक c है plus q d है और by 2 ये हो गया फिर इनटू में साइन क्या आएगा c माइनस d बाय 2 c का मतलब ये वाला पार्ट ax प्लस ah प्लस b c माइनस ये वाला पार्ट करते हैं d तो माइनस ax माइनस b बाय 2 और नीचे क्या है h अब क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप पे सर माय लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन क्या आएगा ax प्लस b ax प्लस ax होगा 2 ax उसके नीचे 2 लिखा तो ax प्लस b प्लस b का मतलब 2g अपॉन प्लस ah प्लस ah by 2 ये तो यहां पर बचा इनटू साइन यहां पर ax से ah by 2 से क्या बचा ah by 2 उसके नीचे h क्या ये मालूम हुआ a by 2 से a by 2 से यहां पर करा तो इसका रिवर्स ऊपर आएगा a by 2 ये वाला पार्ट क्या हो गया 1 इस 2 से ये 2 कट गया क्या बचा एक तो माइनस एक तो साइन h की जगह प्लस b 0 डाल दो h की जगह यहां 0 डाल दो तो माइनस साइन ax प्लस b इनटू मल्टीप्लाइड में ये वाला a मल्टीप्लाई है यहां भी लिख सकते हैं यहां लिख दो आंसर उसका डेरिवेटिव क्या है चलिए क्या है हम बताओ क्या लिखना पहले f x है तो इसका जो भी डेरिवेटिव होगा उसे कहेंगे f डैश डैश x इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पहले आएगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 नीचे तो h है ये ऊपर व्हाट इज f x प्लस h क्या cos a cos a cos a x प्लस h प्लस प्लस ये तो हो गया f x प्लस h माइनस cos f x का मतलब हो गया cos a g x प्लस b पहले इसको मल्टीप्लाई करा क्या आएगा यहाँ पर a x प्लस a h प्लस b तो यहाँ पर आएगा a x प्लस a h प्लस b अब लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 कौन सा फॉर्मूला cos माइनस cos माइनस cos माइनस cos g हो गया माइनस cos sin g by 2 ax plus ah plus b ये तो c है plus ax plus b by 2 और by 2
into main sin c minus d by ax plus b और माइनस ऑफ b इसका माइनस कर दिया तो माइनस ax माइनस b अपॉन 2 और डिवाइडेड बाय h. अब जो भी आंसर है वो लिख दो लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां पर आएगा माइनस 2 sin. क्या लिखेंगे आंसर तो बताओ उसका फॉर्मूला होगा लिमिट डिग्री h टेंड्स टू 0 क्या लिखना है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h अब लिमिट x टेंड्स टू 0 व्हाट इज fx प्लस h क्या होगा पहले बताओ cos x cos x प्लस h क्या होगा fx प्लस h का आंसर cos x प्लस h माइनस pi बाय cos x की जगह पर रखना है x plus h plus h minus pi by ये तो fx plus h हो गया minus minus cos x minus pi by upon h c minus cos d अब direct formula cos c minus cos d sin limit h चलिए क्या लिखेंगे limit h tends to 0 minus sin x plus h plus c plus h minus pi by plus x minus pi by minus pi by plus b by 2 into sine x plus c minus pi by yoga c minus minus x plus minus x plus pi by 8 by 2 or divided by h क्या लिखेंगे next time h tends to 0 minus sine x ये x और x मिलकर होगा 2x plus h by 2 minus pi by 8 minus pi by 8 pi by 8 और pi by 8 होगा 2 pi by 8 2 pi by 8 by 2 तो pi by 8 ही आएगा और plus h by 2 h by 2 into में sine h by 2 क्या बचा यहाँ पर h से x कर दिया pi by 8 h by 2 h by 2 और अब और में क्या है h by 2 इसका 2 यहाँ पर है इसका 2 यहाँ पर ये पार्ट क्या हो गया 1 2 से 2 से 2 से बचा है माइनस sin sin x माइनस pi का जगह 0 डाल दो यहां पर x माइनस pi का बचा ही नहीं तो ये क्या होगा इसका डेरिवेटिव अब बताओ कैसे करना है इसका डेरिवेटिव सर डैश x इसका डेरिवेटिव हो गया f डैश x क्या लिखेंगे h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 क्या आएगा ऊपर f x माइनस x अपॉन h अब लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h क्या हो cos x प्लस h माइनस pi x प्लस h माइनस pi ये तो f x प्लस h हो गया माइनस cos ऑफ x माइनस pi बाय 8 अब फॉर्मूला का cos c माइनस माइनस
प्लस एच माइनस पाई बाय 8 ये तो सी हो गया साइन माइनस एक्स प्लस पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8 सी माइनस डी बाय 2 और डिवाइडेड बाय एच और ये शब्द क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप सर नेक्स्ट स्टेप में लिमिट एच टेंड्स टू 0 तो लिखना है यस सर सर माइनस सॉल्व करेंगे 2 अंदर माइनस 2 एक्स यहाँ पर ये हो गया 2x उसके अपॉन 2 तो x x सर माइनस पाई बाय 8 और माइनस पाई बाय 8 क्या हो गया माइनस पाई बाय 8 और डिवाइड बाय माइनस पाई बाय 8 माइनस पाई बाय 8 प्लस h बाय 2 h बाय 2 ये तो यहाँ पर बचा मल्टीप्लाई पे इनटू साइन यहाँ पर बचेगा x से x कट गया पाई बाय 8 से पाई बाय 8 साइन h बाय 2 और अपॉन में h अब इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई ये वाला पार्ट क्या हो गया उस 2 से ये 2 कट जाएगा बचा माइनस का साइन h को अगर 0 डाल दें तो x माइनस पाई बाय 8 क्योंकि h की जगह 0 डाल देंगे सो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया सर ये खुद का क्या हो गया वो करने के लिए बहुत टाइम लगेगा इसका डेरिवेटिव निकालने टेंजेंट x का बताओ कैसे करना है f dash x इसका डेरिवेटिव होगा f dash x क्या लिखेंगे उसको लिमिट x टेंड्स टू 0 पहले फॉर्मूला लिखो f of x plus h माइनस f of x अपॉन h अब बताओ क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 tan x plus h का मतलब टेंजेंट x plus h माइनस fx का मतलब टेंजेंट x अपॉन h ये टेंजेंट को चेंज करना पड़ेगा साइन अपॉन कोस पे वैसे नहीं होगा इस टेंजेंट x plus h को हटाकर क्या लिख सकते हैं इसकी जगह साइन पाई बाय x plus h अपॉन cos x plus h cos x plus h ये तो टेंजेंट x plus h हो गया माइनस cos x टेंजेंट x को लिख दिया साइन x अपॉन cos x अब तो साफ दिखता जा रहा है एलसीएम ले लो फिर सॉल्व करो तो आ जाएगा क्या लिखेंगे लिमिट h tends to 0 h tends to 0 एलसीएम लेंगे cos x plus h into cos x into cos x cos x यहाँ पर आएगा this into this अगर इसको आप ए कहोगे तो ये भी दोबारा ए है अगर इसको आप बी कहोगे तो ये भी बी है तो फॉर्मूला बना कौन सा साइन ए माइनस साइन ए साइन ए माइनस कोस बी माइनस कोस ए साइन बी साइन ए माइनस साइन ए क्या हो गया साइन ऑफ ए ये ए माइनस ये फॉर्मूला होगा ऊपर है ना साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी नीचे कोस एक्स प्लस एच इनटू में cos x है और इनटू में h भी है ये ऊपर x से x कट जाएगा x से x क्या बचा ऊपर sin h sin h और वो h sin h अपॉन h अपॉन 1 हो गया यस h को 0 डाला 0 डाल दें यहां पर 0 डाल दो cos cos स्क्वायर cos स्क्वायर अपॉन cos x cos x तो cos स्क्वायर sec स्क्वायर इसे कह सकते हैं secant स्क्वायर ये इसका डेरिवेटिव क्या आएगा secant स्क्वायर कैसे निकाले इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव f dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f x upon h अब limit h tends to 0 f x plus h का मतलब tangent x plus h माइनस एफ एक्स का मतलब टेंजेंट एक्स अपॉन एच क्या करा आपने साइन एच साइन एच इसको हटाकर लिखा साइन x plus h अपॉन cos x plus h ये तो tangent x plus h हो गया माइनस tangent x sin x by cos x उसके बाद तो बिल्कुल ही क्लियर है कि LCM है जब से पहले लिमिट LCM cos x into cos x यहाँ पर क्या आएगा पहले sin x plus h into cos h into cos x माइनस पहले x plus h यूज कर लो पहले ये इनटू ये cos x plus h
into sin x. और भी कुछ लिखना है? हाँ, क्या वन अपॉन हमारा वन एच टू वन हमेशा ऊपर जाकर इनटू वन अपॉन एच अब इसको ये कह रहे हैं तो ये भी सेम चीज है तो ये भी ए हो जाएगा. अगर ये बी है तो ये भी सेम चीज होने का भी है. पढ़े साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी क्या होता है सारा फॉर्म साइन ए माइनस बी ये ए प्लस एच माइनस जो भी ए और माइनस बी ये तो ऊपर आ गया नीचे है कोस एक्स प्लस एच इंटू में कोस एक्स है इंटू में एच अब क्या बचा ऊपर साइन एक्स पर सब कुछ करते हैं साइन एच अपॉन एच और अगर लिमिट एच टेंस टू जीरो तो बंद तो ऊपर तो बंद है नीचे एच को जीरो डाल दो यहाँ पर कॉस एक्स कॉस स्क्वायर सीकेंट ऑफ स्क्वायर एक्स ये इसका डेरिवेटिव है. ठीक है तुम करके देखो चलो कोटेक्स नोट्स पर लिखो जो है बीच में कोटेक्स का बिल्कुल सेम है यही करते हैं टेंजेंट की तरह कोण के अंदर से चार्जिंग ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ चार्जिंग से बंद कर दिया गया सबसे में तो 6 ही क्वेश्चन है इसके टोटल 7 क्वेश्चन ये वाले जो हम तो 35 करेंगे इसमें सारे कवर हो जाएंगे फिर चैप्टर एनसीईआरटी में से नहीं आता एनसीईआरटी से बाहर ही आता है सबने कर लिया वैसे सो कॉस एक्स स्क्वायर किसी का माइनस कॉस एक्स डिबेट कौन सा फॉर्मूला एक बार देखो स्टार्ट कैसे करेंगे पहले एफ सर एफ डैश एक्स डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h tends to 0 formula yaad hoga sabko to yes sir f of x plus h minus f of x upon h ab likhenge limit h tends to batao fx plus h kya hoga cot x cos h cot kya hoga cot x plus h ye to fx plus h ho gaya minus cot fx ka matlab cot x aur dividing by अब कोड नहीं रहेगा कोड को चेंज करेंगे कॉस कॉस एक्स प्लस एच कोड आगे सकता कॉस एक्स प्लस एच अपॉन साइन एक्स प्लस एच अब क्या लिखा उसको भी चेंज कॉस एक्स कोड आगे सकता कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स अब एलसीएम देंगे क्या लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एलसीएम आएगा इसका साइन और इनटू में ये h अपॉन 1 जाकर 1 अपॉन h
ठीक है सब है यस सर उसका फॉर्मूला तो बन गया sin x x b - cos y ये a है ध्यान रखना ये a है sin a cos b a minus cos a ये है और ये b है तो फॉर्मूला बन गया क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 कौन सा फार्मूला sin x ऑफ a माइनस b sin ऑफ a ध्यान रखना a का मतलब x माइनस h माइनस ऑफ x माइनस ऑफ h माइनस x ये बना ऊपर है ना यस सर यस sin a cos b माइनस cos a sin b sin ऑफ a ये वाला a और माइनस करना है sin के ये तो ऊपर यहां से यहां तक का ये फार्मूला बन गया नीचे है sin x + h into में sin x है और into h है क्या बचा ऊपर भी माइनस क्योंकि x से x कट जाएगा साइन में अगर माइनस h है तो साइन में हमेशा माइनस यहां से हटकर आगे आ जाएगा ये 1 हो जाएगा साइन h अपॉन h और h टेंड्स टू 0 ये वाला पार्ट तो 1 हो गया ना माइनस माइनस cos x माइनस नीचे h को 0 डाल दो साइन x into साइन x साइन स्क्वायर x या तो ये लिख दो माइनस cos x cos स्क्वायर x ये इसका डेरिवेटिव है यस यस सर किस किस का आंसर आई बहुत तो क्या है आपका तो मैंने सबसे पहले ट्रिगनोमेट्री का रखा था ट्रिगनोमेट्री कर लो भाई यहां पर पेन ड्राइव अवेलेबल है सर अगर से चैप्टर खत्म हो जाए कोई कहे दोबारा आके लिमिट करा दो वो नहीं होता वो हो भी नहीं पाएगा हर एक पे इतना टाइम लगता है तो इसीलिए पेन ड्राइव बना देंगे जिसको जो चीज देखनी हो सब चीज की पेन ड्राइव हमारे पास बोलना मैं तो बोल दिया क्या बोलना है अब देखो tan x का निकालना है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हम कैसे स्टार्ट करेंगे लिखेंगे लिमिट अब बताओ कैसे स्टार्ट करेंगे लिमिट क्या लिखेंगे f x plus h x minus f x तो मतलब है tan 2 x 2 x और डिवाइडेड बाय क्या है h अब क्या करेंगे मैंने तो sin cos sin पहले मल्टीप्लाई कर लो tan 2 x अच्छा हां ये हो जाएगा 2 x 2 h plus 2 h यहां पर लिखेंगे टेंजेंट ऑफ क्या हो जाएगा 2 x plus 2 h अब चेंज कर लो sin और cos यस सर तो लिमिट h h टेंड्स टू 0 क्या लिखेंगे इसको sin 2 x plus 2 h plus 2 h plus cos 2 x plus 2 h cos 2 x plus 2 h ये तो ये हो गया minus sin cos 2x upon cos 2x or divided by h limit h tends to 0 h tends to 0 LCM आएगा cos 2x plus 2h plus 2h into cos 2x पहले sin वाले ये लिखो sin 2x plus h sin 2x plus 2h into cos 2x cos 2x 2x minus cos पहले 2x plus 2h चलने दो तो cos 2x plus 2h into sin 2x और into में ये अच्छा पूर्ण है चलो बना कौन फॉर्मूला बना yes sir sin minus b तो किसको हम ये कह सर a होगा 2x अगर ये a है तो ये भी सेम चीज है तो ये भी a होना चाहिए अगर सर 2x भी होगा तो ये भी ये कौन सा फॉर्मूला बना sin a minus b cos b minus cos a sin b क्या होगा फॉर्मूले के हिसाब से sin of a minus b sin of b plus 2x ये a minus 2x minus 2x a minus 2x ये तो ऊपर बचा सारा ये फॉर्मूला आ गया यहां से यहां तक ये पूरा फॉर्मूला अपॉन cos 2x plus 2h into cos 2x into h 2x से 2x कट जाएगा ये 2x से 2x कट जाएगा यहां पर बचा लिमिट सर लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां पर बचा sin 2h 2h अपॉन cos 2x plus 2h मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 cos 2x ऊपर 2 सर और नीचे h है sin 2h के नीचे क्या होगा सर 2 2 तो इसको अगर 2 से यहां करा सर ऊपर ये sin 2h
अपॉन टू एच, एच टेंस टू जीरो वन होता है, तो क्या बचा आंसर में? टू, ये वो बचा, एक तो ये टू और नीचे एच को जीरो डाल देंगे यहाँ पर, एच की जगह जीरो, तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर टू एक्स इनटू दोबारा कॉस टू एक्स, तो इसका आंसर होगा टू टाइम कॉस स्क्वायर टू एक्स, क्या करेंगे उसको? टू टाइम सीकेंस स्क्वायर टू एक्स, ये इसका डेरिवेटिव। जैसे टेंजेंट एक्स ऐसे 2x ऐसे 3x 4x 5x कुछ भी हो, आपको स्कूल हो गई और फर्स्ट पेज में फर्स्ट पेज में लिखा होगा प्रोडक्ट और रूल है क्वेश्चन के बाद आएगा क्या नहीं ये सब क्या आएगा इसके बिना तो 11th स्टैंडर्ड की नहीं होती थर्ड टर्म है थर्ड टर्म है जो भी होगा आ गया अब इस सेकंड एक्स का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं मतलब कैसे करेंगे secant x का डेरिवेटिव f(x) ये हो गया f(x) तो ये है बताओ secant x ये तो वन h अब बताओ लिमिट h टेंड्स टू जीरो व्हाट इज f(x) + h क्या हुआ secant x + h secant x + h ये तो fx plus h होगा minus secant minus fx का मतलब secant x divided by क्या है h secant में फॉर्मूला लिया तो इसको भी चेंज कर लो secant x plus h का मतलब क्या होगा इसका मतलब one upon cos x plus h इसको भी चेंज करना पड़ेगा secant x one upon cos h अब तो साथ ही रहने से h tends to 0 अगर एलसीएम लेंगे cos x cos x cos x cos x into cos x cos x क्या आएगा minus cos x into 1 तो आएगा cos x minus cos x plus h ये तो ये होगा into 1 into cos c minus cos d इसको c ले रहे हैं इसको d ले रहे हैं cos c minus minus 2 sin क्या लिखेंगे लिमिट h tends to 0 फॉर्मूले के हिसाब से होगा माइनस 2 sin 2 sin c plus d by 2 c ये होगा c plus h by 2 plus जो d है c plus d by 2 into sin क्या आएगा sin c minus d by 2 देखो c तो ये वाला है minus x minus करना है इसको minus x minus h by 2 और नीचे जो बचा हुआ एज इट इज लिख दो cos x plus h into cos x और into h अब नेक्स्ट स्टेप में बताओ क्या लिखना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 तो बचा minus sin x plus h by 2 x sin h क्या लिखेंगे आप x plus h by 2 क्योंकि ये होगा 2x upon 2 करा तो आएगा x फिर plus h by 2 into sin minus h by 2 क्या बचा यहाँ पर x से x कट जाएगा बचा minus h by 2 और नीचे जो है वो लिख दो cos x plus h into cos x और into h sin में कभी भी minus हो तो ये minus आ गया minus into minus का plus sin h by 2 से divide किया तो 2 से multiply ये वाला पार्ट क्या हो गया 2 से 2 कट गया 2 से 2 कट गया जहां भी h बचा यहां बचा h sin h की जगह 0 डाला sin cos 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 नीचे h को 0 डाला तो आ गया cos x into cos x इसे क्या पढ़ सकते हैं tan x cos x ये secant x है 1 upon cos x क्या tan x secant x मल्टीप्लाई इनटू में ये वाला पार्ट tangent x इसका डेरिवेटिव क्या होगा secant x tangent x तो secant x का डेरिवेटिव करा तो 1 upon cos x को कह सकते हैं secant x into tangent x इसका डेरिवेटिव क्या f डैश x उसके लिए क्या लिखेंगे लिमिट का लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या लिखेंगे f x plus h माइनस fx अपॉन h अब लिखना लिमिट h टेंड्स टू 0 व्हाट इज fx plus h क्या होगा cos x plus h x plus h यहां डाला तो यहां भी x plus h डालना है तो cosecant
क्या होगा x प्लस एच माइनस एफ एक्स का मतलब ही कोसिकेंट x है और अपॉन h. अब लिमिट h टेंस टू क्या लिखना है इस कोसिकेंट अपॉन साइन x ये तो ये हो गया एफ एक्स माइनस 1 अपॉन साइन x डिवाइडेड बाय h. अब h से लिमिट h 0 sin x plus h into sin x into sin x ये तो LCM आएगा. क्या आएगा ऊपर पहले sin x into 1 तो पहले आएगा sin x फिर आएगा minus sin x plus h और एक चीज और आएगा into 1 upon h. क्या करना चाहिए ये वाला c होगा sin c sin c minus sin d ये c ये d तो लिखेंगे limit h tends to 0 क्या formula होगा sin c cos c plus d by c cos c plus d x plus c plus d or by 2 into sin c c minus d यहां से करना ये c है c माइनस इसका इसको माइनस करना है तो माइनस एक्स माइनस एच अपॉन ये ऊपर आ गया नीचे है साइन एक्स प्लस एच इनटू साइन एक्स इनटू एच वन बाय एच टेंस टू जीरो. अब लिमिट एच टेंस टू जीरो यहाँ पर क्या आएगा टू कॉस एक्स प्लस एच टू एक्स प्लस एच प्लस एच बाय एक्स plus h by 2 into sin, into sin. Minus h by 2 minus so minus by minus minus bar क्योंकि x से x कट जाएगा minus का h by 2 sin में बचा minus h by 2 minus bar और नीचे क्या है sin x plus h into sin x और एक और है into h sin का जो minus है यहाँ से हटकर तो आगे आ जाएगा minus multiplying by 2 ये sin h by 2 है अगर ये h by 2 हो तो 2 से divide तो इसका 2 यहाँ पर आएगा ना ये वाला पार्ट क्या हो गया इस 2 से ये कट गया. अब h की जगह 0 पहले ये माइनस बचा माइनस सो माइनस cot x cos h की जगह 0 डालते नीचे h की जगह 0 डाला तो sin x इनटू में एक और sin x है ये भी ठीक है आंसर. तो क्या लिख सकते हैं आंसर माइनस माइनस cos x 1 अपॉन sin x को कहते हैं cosecant x इनटू में इस पार्ट को कहते हैं कोट एक्स तो माइनस कोसिकेंट एक्स इनटू कोट एक्स ये इसका डेरिवेटिव है. एक दो क्वेश्चन और कर लेते थे ये बार कंप्लीट हो जाए ये वाला पार्ट तो सर एक और क्वेश्चन बस एक और नेक्स्ट टाइम इजीली सर एक बार आराम से हो जाए बोलो. हां सर अच्छा अभी तो वो करते जो एनसीईआरटी के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के हिसाब से और ये सबको आगे आगे चाहे मैं ना बताऊँ तो भी कर लोगे नहीं करना नहीं मैं समझ रहा. ये एफ एक्स है एनसीईआरटी के हिसाब से ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इसका डेरिवेटिव निकालना बहुत सिंपल है. क्या लिखेंगे लिमिट अरे इसका डेरिवेटिव क्या होता है एफ डैश वो क्या होना चाहिए क्या लिमिट एच एच लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन उससे नेक्स्ट स्टेप लिमिट एच टेंस टू जीरो लिमिट क्या लिखना लिमिट एच एच टू जीरो एफ एक्स प्लस एच है यहाँ पे यहाँ पे दोनों जगह जानना पड़ेगा तो साइन प्लस एक्स प्लस कॉस प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स प्लस एच ये तो एफ एक्स प्लस एच हो गया. अभी तो एफ एक्स प्लस एच हुआ है खाली ये माइनस अगर x plus h यहाँ डाला तो यहाँ भी x plus h यहाँ भी x plus h ये वाला पार्ट हुआ है भी तो खाली है फिर माइनस है तो ब्रैकेट में रखना है जो भी आंसर f x का होगा क्या रखना है f x को ना sin x plus cos x और पूरा जो भी आंसर है इस पूरे को डिवाइड करना है x. पहले तो हमने जस्ट वैल्यू पुट करा. नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा लिमिट h tends to 0 क्या लिखेंगे sin x plus h प्लस कोस एक्स प्लस एच अगर वो ब्रैकेट खोल देंगे तो आएगा माइनस का साइन एक्स और माइनस का ही कोस एक्स. अब पेयर बना के लिख दो अलग अलग है ना
कौन सा किसके साथ आना चाहिए, ये वाला आंसर इसके साथ आएगा ना, तो दो क्वेश्चन बन गए। पहले क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर लिखेंगे sin x + x + h - sin x - sin x / h, फिर क्या लिखेंगे प्लस cos x + h माइनस cos x अलग कर दो साथ साथ, है ना, जो अपॉन h है इसके नीचे अलग कर दो, इसके नीचे h अलग और इसके नीचे h अलग, कर सकते ना सर? Yes, sir. जो डिनोमिनेटर वाला h था वो इसके लिए अलग कर दिया, इसके लिए ये लिमिट दोनों के लिए, ये लिमिट इसके लिए भी इसके लिए भी। अब क्या करना है बताओ, कौन सा फॉर्म लगेगा, यहाँ पर sin c माइनस sin d या cos c माइनस cos d, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 sin c माइनस sin d का जो भी फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाय 2 इनटू sin c माइनस d बाय 2 और इसके नीचे h है, यही था ना, सही कहा, sin c माइनस sin d तो 2 cos c प्लस d बाय 2 sin c माइनस d बाय 2 अपॉन h, अब प्लस यहां पर आ जाओ, कौन सा फॉर्मूला cos c माइनस cos d वो होता है माइनस 2, फिर आता है 2 sin c प्लस d बाय 2 इनटू sin c माइनस d बाय 2 c माइनस d बाय 2, इसके नीचे h अलग है ना, ये h क्या किया था हमने दोनों के नीचे अलग अलग करा था। अब बताओ फर्स्ट का आंसर जो है वो लिख दो, लिमिट h टेंड्स, क्या लिखें यहां पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 लिख लिया, लिख लिया पहले 2 x प्लस फिर cos / 2 x क्या आएगा, x / 2 2x / 2 तो x / 2 प्लस h / 2 इनटू sin h / 2, यहां पर x से x कट जाएगा h / 2, इसके नीचे का h अलग किया, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस इनटू माइनस तो माइनस 2 sin आएगा x plus h by 2 क्या आएगा, x plus h / 2 upon 2 तो x plus h by 2 into sin h by 2, यहाँ पर x से x कट गया तो h by 2 और upon h, अब दोनों जगह बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको फिर से अगर यहाँ करो तो इसका 2 यहाँ पर आएगा, ये वाला पार्ट क्या हो गया, sin h by 2 upon h by 2 1 2 से h की जगह 0 डाल दो यहाँ पर तो बचा cos x, और तो कुछ नहीं बचा ना यहाँ पर, अब माइनस यहाँ पर क्या किया सेम चीज, ये h इसके नीचे लिख दो h by 2 into 2, ये वाला पार्ट क्या हो गया 1 2 से 2 h की जगह 0 डाल दो तो माइनस sin x, तो आंसर क्या हो गया इसका cos x माइनस sin x, ये पक्का करा सबको समझ आया सर, आज के क्वेश्चन लिख लो कौन कौन से करें, ये क्वेश्चन नंबर 31 तक है इस टाइप के, 31 तक है, सो व्हाट डू यू थिंक, हमने करे कौन थे सारे ही करे, तो सारे करे हमने और चार पांच क्वेश्चन और करे 25 ये टेस्ट हो गए सबके नोट्स है ना सब, ये पैसे दे दो, वेरी नाइस।